टेक्नोसाइल स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू डाउनलोड टेम्पलेट्स। दोस्तों हाउ टू डाउनलोड पेड टेम्पलेट्स है, उसको हम फ्री में डाउनलोड कैसे करें। दोस्तों HTML CSS Bootstrap के जो रिस्पॉन्सिव जो टेम्पलेट्स होते हैं उसको डाउनलोड कैसे करें, वो भी फ्री में। दोस्तों बहुत से जो एट्रैक्टिव टेम्पलेट्स होते हैं वो टेम्पलेट्स हम फ्री में डाउनलोड नहीं कर पाते, तो दोस्तों वो जो टेम्पलेट्स होते हैं उसको फ्री में कैसे डाउनलोड करें हम वीडियो में पूरा दिखाएंगे। दोस्तों आप वीडियो को एंड तक वॉच करिएगा। पहले बात करें फ्री टेम्पलेट्स की, तो दोस्तों उसके लिए मैंने जो डिस्क्रिप्शन में तीन वेबसाइट दी हुई है, जो टॉप थ्री वेबसाइट है, आप उनमें से कोई भी अच्छे अच्छे फ्री वाले टेम्पलेट्स डाउनलोड कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों आज का जो ट्यूटोरियल है वो हमने पूरा बनाया है कि जो पेड वाले टेम्पलेट है उसको फ्री में कैसे डाउनलोड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों आपको अपने जो ब्राउजर है उस पर आ जाना है। आप कोई भी ब्राउजर का यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ पर जो क्रोम ब्राउजर है उसका यूज़ करूँगा। अपने जो क्रोम है उसको ओपन कर लेना है। यहाँ पर दोस्तों जैसे आपका क्रोम ब्राउजर ओपन हो जाए, मैंने यहाँ पर दोस्तों जो अपना बैकग्राउंड है चेंज किया हुआ है। आपके जो बैकग्राउंड है जो भी होगा क्रोम का वो वैसा शो होगा। दोस्तों यहाँ पे जो फर्स्ट जो URL है, मैं जो साइट का जो URL लिख रहा हूँ वही आपको टाइप करना है, www.w3layouts। यहाँ पे देखें दोस्तों जो आ गया, क्योंकि मैंने पहले से यहाँ पे सर्च किया हुआ था, इसलिए यहाँ पे www.w3layouts.com यही साइट है, उसको आपको ओपन कर लेनी है। दोस्तों यहाँ पे जैसे ये जो साइट ओपन होगी तो कुछ ऐसा इंटरफेस है वो आपके सामने शो हो जाएगा। यहाँ पे जो फर्स्ट आपको ऑप्शन मिल रहा है वो है वेब टेम्पलेट का। यहाँ पे वेब टेम्पलेट पे आप जैसे ही आएगी यहाँ पे आपको बहुत सी जो कैटेगरीज मिलेगी, आप जो भी कैटेगरीज के अंदर दोस्तों क्लिक करेंगे उनके बहुत सारे जो टेम्पलेट्स है वो आपके सामने शो हो गए। यहाँ पे जो पर्सनल है, जो बिजनेस है, उसके बाद हाउसिंग है, जो एंटरटेनमेंट है, उसके बाद पोर्टफोलियो है, वेब डेवलपमेंट है, हेल्थ है, सोशल है, टेक्नोलॉजी से, टावरलेस है, वैसे बहुत सारी जो कैटेगरी दोस्तों यहाँ पे मिल रही है। तो आप यहाँ से बहुत अच्छा टेम्पलेट से वो अच्छे अच्छे डाउनलोड कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक जो प्रॉब्लम है कि जो सारे टेम्पलेट्स होते हैं वो पेड वाले होते, तो ये जो पेड वाले टेम्पलेट है उसको हम फ्री में कैसे डाउनलोड करें। यहाँ पे हम नीचे जैसे साइट पे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको जो टेम्पलेट्स है वो नज़र आने लगेगी। यहाँ पे देखिए जो बहुत ही अच्छे अच्छे जो टेम्पलेट्स है आपको दिख रहे हैं। उसके बाद अब जैसे इसके जो फूटर वाले पार्ट्स पे दोस्तों आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको जो कैटेगरी से वो दिखाई देगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मल्टीपर्पज है, फ्री वर्डप्रेस थीम है, उसके बाद यहाँ पे जो एग्रीकल्चर है, प्रीमियम है, उसमें बहुत सारे जो टेम्पलेट्स यहाँ पे दिख रहे हैं। यहाँ पे हम कोई भी एक मान लो कोई कैटेगरी हम उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। हम यहाँ पे जैसे सपोज मान लो यहाँ पे वीडियो बैकग्राउंड कैटेगरी हमने सिलेक्ट कर ली। हम कोई वीडियो बैकग्राउंड का कोई भी टेम्पलेट से वो डाउनलोड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम जैसे स्क्रॉल करेंगे नीचे तो यहाँ पे देखिए आपको जो टेम्पलेट्स मिल रहे हैं, जो बहुत अच्छे अच्छे जो टेम्पलेट दिख रहे हैं। लेकिन दोस्तों जो सारे टेम्पलेट्स है वो भी पेड वाले, हम जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो आपको बोलेगा पेड का। सपोज मान लो हम यहाँ पे ये वाला जो टेम्पलेट है इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों जैसे आपने जो टेम्पलेट है उसको सिलेक्ट किया तो यहाँ पे स्क्रॉल करें तो आपको $10 का बोलेगा। यहाँ पे देखिए जो $10 वाला जो पेड में आप उसको खरीद सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप जो डॉलर है $10। तो दोस्तों जो $10 का जो टेम्पलेट है उसको हम फ्री में कैसे डाउनलोड करें। दोस्तों अगर इंडियन रुपीस की बात करें तो $10 हमारे लिए बहुत हो जाता है। तो दोस्तों इसको फ्री में डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपको एक जो फ्री डाउनलोड का आपको ऑप्शन मिलेगा दोस्तों, लेकिन यहाँ पे आप डायरेक्टली डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे फ्री डाउनलोड का ऑप्शन तो है लेकिन कैसे डाउनलोड करना है वो हम देखते हैं। यहाँ पे जो फ्री डाउनलोड वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे जो डोंट वॉन्ट टू गिव जो बैकलिस्ट और शेयर, यहाँ पे देख सकते हैं आप जो डाउनलोड का ऑप्शन आपको मिलेगा। जैसे आप डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको लॉगिन करने को बोलेगा, या तो आपको बोलेगा कोई भी जगह पे आप इस जो टेम्पलेट है उसकी पोस्ट है उसको शेयर करें। तो दोस्तों आप बिना शेयर किए टेम्पलेट को कैसे डाउनलोड करें। फर्स्ट तो दोस्तों हमें रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहाँ पे कोई भी साइट हो वहाँ पे हम टेम्पलेट्स को डाउनलोड करने के लिए दोस्तों हमें रजिस्ट्रेशन तो करना ही पड़ता है। तो आपको या तो आप ईमेल से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आप अपनी FB से, गूगल अकाउंट से, कोई भी तरीके से आप यहाँ पे लॉगिन हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी जो लॉगिन हुआ हूँ तो यूज़र नेम पासवर्ड मैंने पहले से ही डाले हुए। यहाँ पे लॉगिन वाला बटन है उस पर मैं क्लिक कर देता हूँ।
जैसे मैं लॉगिन हुआ, यहाँ पे आप जो लेफ्ट साइड टॉप में देख सकते हैं जो मेरा जो अकाउंट है वो शो हो रहा है, जो कल्सरिया जेस 92 जो मेरी ईमेल आईडी से उसके थ्रू मैंने अकाउंट जो ओपन किया हुआ था। तो दोस्तों हमें यहाँ से थोड़ा बैक चले जाना है, जैसे आप लॉगिन हो जाए उसके बाद एक स्टेप है उसको यहाँ से बैक चले जाना है। फिर से जो हमारा जो टेम्पलेट्स वाला पेज था वहाँ पे आपको आ जाना है, जो $10 लिखा हुआ आपका टेम्पलेट वाला पेज था। फिर से दोस्तों लॉगिन हो जाए उसके बाद आपको जो फ्री डाउनलोड का ऑप्शन मिल रहा है उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो शेयर का ऑप्शन मिलेगा, दोस्तों आप चाहे तो आप FB को सिलेक्ट करके जो पोस्ट आप शेयर कर रहे हैं उसको ओनली मी सिलेक्ट करके आप खुद ही अपनी पोस्ट देख सकते हो और किसी को ये पोस्ट नहीं शो होगी। दोस्तों वैसे आप ये प्रोजेक्ट को शेयर आपको ये टेम्पलेट से सॉरी दोस्तों उसको शेयर करना है, जो शेयर वाला ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक करना है। या तो दोस्तों आप यहाँ पे आप बिना शेयर किए आप कैंसिल कर देंगे और फिर डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करें तो फिर भी ये डाउनलोड होगा, लेकिन हमें दोस्तों शेयर करने में क्या प्रॉब्लम है, तो हमें सिर्फ क्या करना है यहाँ पे देखिए जो न्यूज़ फीड वाला ऑप्शन है यहाँ पे आपका पब्लिक लिखा होगा, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है ओनली मी, यहाँ से पब्लिक को हटा के ओनली मी पर सिलेक्ट कर देना है, यानी कि ये जो टेम्पलेट से वो शेयर तो होगा लेकिन और किसी को दिखेगा नहीं। यहाँ पे बैक आ गए हम, फिर से आ जाते हैं शेयर वाले ऑप्शन पर, उसके बाद ओनली मी को सिलेक्ट करके यहाँ पे पोस्ट पिक डेट पे जो क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो डाउनलोड का ऑप्शन मिल रहा है उस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखिए जो लेफ्ट साइड बॉटम में यहाँ पे जो मेरा टेम्पलेट है वो डाउनलोड हो रहा है, यहाँ पे जो 4 MB का जो टेम्पलेट है वो डाउनलोड हो चुका है। अगर दोस्तों आप पोस्ट को शेयर नहीं करना चाहते हैं तो आप बिना शेयर किए भी आप पोस्ट वाला जैसे पेज ओपन हो तो उसको कैंसिल कर दीजिएगा और फिर डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आप आसानी से कोई भी जो पेड वाला टेम्पलेट है उसको डाउनलोड कर पाएंगे। दोस्तों ये जो हमने टेम्पलेट्स डाउनलोड किया है उसको हम रन करके देखते हैं कैसे इसको रन करना है। हमें अपने जो मतलब जो धिस PC है उस पर आ जाना है। जैसे दिस PC ओपन हो उसके बाद आपका जो डाउनलोड वाला जो फोल्डर है वहाँ पे आ जाना है, क्योंकि को डाउनलोड फाइल जो भी है यहाँ पे पड़ी होगी, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमने 4 MB का जो डाउनलोड किया है वो फर्स्ट ही हमें शो हो रहा है। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, आपको अगर कोई ऐसा वेब नाम का आपका और टेम्पलेट है तो उसको यहाँ से कट कर लेना है, कोई वर्ड फोल्डर में पेस्ट कर देना है। आपने अगर कोई भी पहला ही टेम्पलेट डाउनलोड किया तो आपको ऐसा कुछ करने की दोस्तों ज़रूरत नहीं है। फिर से दोस्तों जो यहाँ पे हमारे जो टेम्पलेट वाली फाइल थी वहाँ पे आ जाना है और उसे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद एक्स्ट्रा कलर वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना है। तो फाइल है वो पहले दोस्तों जो ZIP फॉर्मेट में थी वहाँ से वो पहले एक्स्ट्रैक्ट होगी। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो वेब वाला जो ओपन हो गया आपका फोल्डर उस पर आपको डबल क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे जो आपको इंडेक्स वाली फाइल मिल रही है यहाँ पे इंडेक्स उस पर डबल क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए जो हमने टेम्पलेट्स डाउनलोड किया होता वो रन हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पूरा टेम्पलेट से वीडियो थीम का वो हो चुका है। दोस्तों ये अभी HTML का पूरा टेम्पलेट है। अगर आप PHP में यूज़ करना चाहते हैं जो, या तो आप जावा में यूज करना चाहते हैं या तो आप कोई मतलब मान लो ASP में यूज़ करना चाहते हैं तो आपको उसको एडिट करना होगा। दोस्तों मैंने टेम्पलेट एडिटिंग के पहले से ही वीडियो बना रखी है, आप उस वीडियो को देख सकते हो, टेम्पलेट को एडिट कर सकते हैं। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल टेक्नोसाइल स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल टेक्नोसाइल स्टडी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आपको मिल जाए। दोस्तों बहुत जल्द मिलेंगे एक न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।